So what is guys, this is Harman and welcome to my very first YouTube video. Yeah. ये वैसे फर्स्ट वीडियो नहीं है, इससे पहले मैं 3 साल पहले चैनल स्टार्ट करा था, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली थी बट कंसिस्टेंसी नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा उस चैनल पे। बस अगर आप मेरा चैनल चेक करोगे, ये वाला, इसमें 5 वीडियोस हैं। वो वाला चैनल नाइट्रो गेमिंग के नाम से था, तो मैंने वो चैनल स्टार्ट करा था लेकिन उसको सही से चलाया नहीं तो ऐसे ही छूटा हुआ है। अगर चैनल में वीडियोस चेक करोगे तो नाइट्रो गेमिंग के नाम से होगा, उसमें नाइट्रो गेमिंग नेम इज़ ऑल ओवर द प्लेस इन दोज वीडियोस। एक चैनल ट्रेलर भी है जो नाइट्रो गेमिंग के नाम से है। तो ये चैनल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्लैश चैलेंजेस आए थे क्योंकि मेरे पास लैपटॉप सही सा नहीं था, जो मैं गेम्स खेलता था उसके हिसाब से मैं बस जस्ट खेल सकता था, रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बट नाउ आई हैव प्ले स्टेशन सो आई कैन प्ले एज वेल एज रिकॉर्ड। या अभी मैं नीड फॉर स्पीड हीट खेल रहा हूँ इसके साथ। इंट्रोडक्शन, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ माय चैनल, व्हाट आई विल बी डूइंग इन द चैनल। और साथ में मैं नीड फॉर स्पीड हीट खेल रहा हूँ। तो बेसिकली इस चैनल पे मैं बेसिकली तो ये चैनल गेमिंग न्यूज़ के लिए है। तो और इसमें गेमिंग न्यूज़ के साथ साथ हम चैनल में हम ग्लिच और भी गेम्स खेलेंगे, जैसे अभी फॉल गाइस नया गेम आया उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। अभी सेकंड वीडियो या तो फॉल गाइस के ऊपर होएगी या फिर जो बैटमैन का नया गेम रिवील हुआ है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर द थिंग्स विच इज बेटर इन दिस गेम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस बैटमैन गेम विच वॉज आर्कम नाइट। बहुत बढ़िया गेम था वो, स्टोरी बढ़िया थी, ग्राफिक्स बढ़िया थे। और जो तो हम बेसिकली इसमें डिस्कशन करेंगे कि ये जो बैटमैन वाला गेम आया है वो प्रीवियस गेम से अच्छा होएगा या नहीं होएगा या जो भी है। एक तो सबसे पहली मेन चीज है उसमें बैटमैन नहीं है। दे आर सेइंग दैट बैटमैन इज दैट बैटमैन हैज बीन किल्ड इन दैट गेम, मर्डर्ड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। बट अगर बैटमैन गेम में बैटमैन ही नहीं है तो क्या फायदा उस गेम का। बट आई थिंक दे हैव समथिंग अंडर देयर स्लीव्स जो हमें एक्साइट रखेगा इस गेम में पूरा। आई गेस बीच में भी कहीं बैटमैन आएगा अगर स्टोरी कंटिन्यू करेंगे हम। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, वी ओनली कैन सी व्हेन द गेम लॉन्चेस इन 2021। तो गेमिंग के बाहर अगर हम जाएंगे तो लैपटॉप्स में आ गया, किसी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया, कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए, आपका बजट कैसा है, गेमिंग पेरिफेरल्स आपको अगर लेने हैं तो कौन कौन से लेने चाहिए, अगर आपको रिमोट कंट्रोलर लेना है तो कौन सा लेना चाहिए, अगर आपको प्ले स्टेशन के लिए कंट्रोलर चाहिए कौन सा कंट्रोलर कंपैटिबल है उसके साथ अदर देन द कंट्रोलर विच कम्स विद द प्ले स्टेशन। सो आपको कुछ भी पूछना, आपकी क्वेरी है कि कौन सा लैपटॉप हमें चाहिए गेमिंग के लिए या प्रोफेशनल वर्क, मतलब ये क्या हुआ, प्रोफेशनल वर्क के लिए मेरा बजट ये है, क्या मेरे को एप्पल के साथ एप्पल का मैकबुक लेना चाहिए या गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए या कोई भी सरफेस बुक प्रो लेना चाहिए, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर बहुत सारी क्वेरी हुई सेम प्रोडक्ट को लेके, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। If you like this video, you can give a like if you want. There, no one's forcing you, right? All right, see you guys. Bye.